अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह हसन और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम 4 प्लस जनरल नॉलेज का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। सो द टॉपिक इज बर्ड्स एंड एनिमल्स। डियर टीचर्स, आप बच्चों को ना कि सिर्फ जानवरों और परिंदों के नामों के बारे में बताएंगे बल्कि इनकी पहचान भी करवाएंगे और बच्चों को ये भी बताएंगे कि पालतू जानवर कौन कौन से हैं। सो द टॉपिक इज बर्ड्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर। पहली तस्वीर में देखिए आपको क्या दिख रहा है, ईगल। तो ईगल जो होता है ये एक परिंदा है, इसके दो बड़े बड़े पर होते हैं और ये खाने में मछलियाँ पसंद करता है। नंबर टू, स्पैरो। स्पैरो चिड़िया को कहते हैं और ये बहुत मासूम होती है और साइज में छोटी सी होती है। नंबर थ्री, पिजन। पिजन यानी कबूतर। कबूतर भी एक परिंदा है जिसे बहुत से लोग अपने घर में भी पालते हैं। नंबर फोर, पैरट। पैरट तोते को कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है यानी सब्ज रंग का होता है, जिसे हम मियाँ मिठू भी कहते हैं और ये बातें भी करता है। नंबर फाइव, कैट। कैट बिल्ली को कहते हैं और बिल्ली एक पालतू जानवर है, बहुत से लोग इसे अपने घरों में पालते हैं और इसे बहुत प्यार करते हैं। नंबर सिक्स, लाइन। लाइन शेर को कहते हैं और शेर को हम जंगल का बादशाह भी कहते हैं। नंबर सेवन, एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। हाथी बहुत बड़ा होता है, इसकी एक लंबी सूंड होती है और दो बड़े बड़े दांत होते हैं और ये जंगल में रहता है। नंबर एट, डॉग। डॉग यानी कुत्ता। कुत्ता एक पालतू जानवर है, बहुत से लोग इसे भी अपने घरों में पालते हैं और ये बहुत वफादार भी होता है। लास्ट वन, काओ। काओ यानी गाय। गाय देख रहे हो आप पिक्चर में, गाय बहुत बड़ी होती है और ये घास खाती है और हमें दूध भी देती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जानवरों और परिंदों की अच्छे से पहचान हो गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।